नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त मैं राजभवन के बाहर खड़ा हूं। देखिए, ये पीछे राजभवन है और पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश की निगाहें इस वक्त झारखंड के इसी राजभवन पर टिक गई है कि आखिर अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। दोपहर 1 बजे से ही ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करने के बाद, इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री को एक तरह से डिटेन भी कर लिया गया और उसके बाद जो विधायक मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से बैठे हुए थे उन्होंने अपने विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुन लिया। उसके बाद सभी विधायक बस पर सवार होकर राजभवन गए, राजभवन के अंदर से लेकिन सभी विधायकों को लौटा दिया गया यह कहकर कि आपने किससे मिलने का समय लिया है। तो अंदर बताया गया विधायकों की तरफ से कि हम लोगों ने फैक्स किया था, लेकिन फैक्स यहां पर देखा नहीं गया और कोई समय नहीं दिया गया था, इसलिए सभी विधायकों को बाहर लौटा दिया गया। यही वजह है कि सभी विधायक राजभवन की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विधायक राजभवन के अंदर इंतजार कर रहे थे तब तक हीरो की तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एंट्री किए, हाथ थम्सअप दिखाते हुए मीडिया कर्मियों के कैमरों की तरफ। और देखिए, एक बार फिर यहाँ पर हलचल काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री संभवतः बाहर निकल रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अंदर हैं। हाँ, मुख्यमंत्री अंदर इसलिए हैं, बता दे, अभी जब तक इस्तीफा स्वीकार होगा और नए को शपथ नहीं होता तब तक वो एक्टिंग रहेंगे। इसी वजह से वो कैंप जेल से अपना पूरा कारभार भी देखेंगे, लेकिन गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परेड अभी कराना चाहेंगे कि नहीं। मुख्यमंत्री की ये इच्छा थी कि वो तमाम जो 42 विधायकों का हस्ताक्षर है वो दिखा दे और सामने परेड करा दे। लेकिन गवर्नर हो सकता है ये कहे कि आप कल तमाम विधायकों को लेके आइएगा, लेकिन इन लोगों की इच्छा थी कि आज परेड हो जाए और कल दिन के 11 बजे शपथ हो जाए। लेकिन आपको बता देता हूँ, झारखंड में जब G5 का गठन हुआ था, 5 निर्दलीय से जो मंत्री बनने का आया जिसमें सुदेश महतो तमाम लोग, उस समय भी इस तरीके के विधायकों को बाहर वेट नहीं करना पड़ा था, तुरंत राजभवन के अंदर। मतलब पहली बार ये झारखंड के राजभवन के बाहर ये तस्वीर देखने को मिली है। पहली बार जब G5 जब बना था, सरकार बनाने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, ये कह के ऑफिस से लौटा दिया गया कि समय निर्धारित है 9:50 का और उससे पहले अभी आपको कैसे बता दिया जाए कि समय आ जाइए, इसलिए आप लोग तमाम लोग बाहर जाइए। ये माना गया कि तमाम विधायकों को बाहर खड़ा। क्या खबर है, क्या हुआ अभी हलचल? फिलहाल अभी हेमंत सोरेन अंदर हैं सनी, और के साथ चंपई सोरेन और रामेश्वर उरांव भी हैं क्या? बिल्कुल, चंपई सोरेन और रामेश्वर उरांव हैं। चंपई सोरेन, चूंकि उनको नेता चुन लिया गया है महागठबंधन दल का, वो अगले मुख्यमंत्री झारखंड के होंगे। लेकिन राजभवन से समय का जो आधार बताया जा रहा है कि समय नहीं लिया गया और अचानक से विधायक यहां पर पहुंचे, इसलिए विधायकों को वापस लौटा दिया गया है। लेकिन संख्या महागठबंधन के पास है। बार बार मैं यह दोहरा रहा हूं कि राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं है, वो भले ही थोड़ा विलम्ब कर सकते हैं, ये जो आज नेता एक्सेप्ट करना है चंपई सोरेन को या कल करें, लेकिन जो आंकड़ा है महागठबंधन के पास, राज्यपाल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है ये मानने के लिए कि चंपई सोरेन अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। 48 विधायकों का समर्थन है चंपई सोरेन को, 29 विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, 30 विधायक था जिसमें से एक सरफराज अहमद जो गांडे से चुन करके आते हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद 29 एमएलए रह गया झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, 17 एमएलए कांग्रेस के पास है, 1 एमएलए सीपीआई एमएल के हैं विनोद सिंह, और 1 आरजेडी के लालू की पार्टी से सत्यानंद भोक्ता। टोटल अगर मिला लिया जाए तो 48 विधायक इस वक्त भी जो है महागठबंधन के पास है, इसमें से 4 एमएलए का साइन जो है सनी समर्थन पत्र पे नहीं है। उसमें पहला नाम सीता सोरेन का है, रामदास सोरेन का दूसरा नाम, तीसरा चमरा लिंडा, और चौथा नाम जो है नोबिन हेम्ब्रम का है। इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बाकायदा झामुमो के तरफ से यह बोला गया कि संविधान को बंधक बना लिया गया है और ईडी के जरिए सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से बीजेपी इस तरीके की प्रयास कर रही है। और अब जबकि जो सत्ताधारी दल के विधायकों को जिस तरीके से राजभवन से बाहर लौटाया गया, विधायक काफी गुस्से में हैं, और जितने भी विधायकों से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की सबने एक स्वर में कहा है कि ये जो प्रयास है राजभवन से जो किया जा रहा है वो सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप देखिए कि रात के तकरीबन 9:07 हो रहे हैं, और ऐसे में ये जो तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची से निकल करके पूरे देश और दुनिया में जा रही है,
उसको लोग किस तरीके से देखेंगे वो तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल राजभवन से जो अपडेट है वो यही है कि सारे विधायकों को वापस भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त अंदर बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कि यह बातचीत सार्थक हो और इसके बाद फिर से उन सारे विधायकों को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि नए नेता के नाम तय कर लिए गए हैं, बाकायदा इसकी घोषणा कर दी गई थोड़ी देर पहले फॉलोअप के जरिए। सबसे पहले हम लोगों ने ही बताया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर जो हेमंत कैबिनेट में मंत्री थे अब तक थोड़ी देर पहले तक, चूंकि हेमंत सोरेन के इस्तीफा देते ही कैबिनेट और मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाता है, तो ऐसे में अब तो ना कोई मंत्री है न कुछ, लेकिन मिथिलेश ठाकुर से लेकर के दीपिका पांडे हो, अंबा हो, अनूप सिंह हो, तमाम लोगों ने इस बात को जो है पुरजोर तरीके से उठाया कि ये जो रवैया राजभवन से दिखाया जा रहा है, जो अपनाया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और यही वजह है कि आप देखिए कि यहाँ पे सैकड़ों के संख्या में जो महागठबंधन दल के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर हैं, देश दुनिया से जो यहाँ पे मीडिया के लोग पहुँचे हुए हैं इस पूरे खबर को कवर करने के लिए, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो पल पल की खबरें फॉलो अप के जरिए हम लोग दे रहे हैं। और सनी इस वक्त भी मुख्यमंत्री पांडे जी के पास कोई बड़ी खबर आई, इधर आ जाइए, इधर देखिए क्या खबर है। लोबिंदा को इनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, आप पूछे क्यों बताए? नहीं, मैंने पूछा, बोला कि नहीं वो सीनियर हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए, अगर गुरुजी के परिवार से कोई रहता तो और बेहतर रहता, लेकिन लोबिंदा ने ये कहा कि चंपईदा मतलब लोबिंदा जिनका समर्थन पत्र पे हस्ताक्षर नहीं है उन्होंने भी चंपई सोरेन के नाम पे अपना सहमति दे दी, सहमति जता दी है। सीता सोरेन का बार बार इंगेज आ रहा है फोन, चमरा लिंडा कह रहे हैं कि हमारे पहला कोई डिफरेंसेस नहीं था, मैं अभी लोकसभा की तैयारी में जुटा हूं, इसलिए कोई ऐसा सिचुएशन या कोई आधिकारिक बयान मेरे पास नहीं आया है, पार्टी व्हिप जो जारी करेगी उसका अनुसार से काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 48 विधायक जो महागठबंधन के पास हैं, तो समर्थन पूरा है विधायकों का, नए नेता के नाम पे सबने सहमति बना दी है, तो ये तय है कि चंपई सोरेन ही अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब सिर्फ अंदर जो राजभवन के अंदर सब कुछ ये सब चल रहा है, उससे क्या दिक्कत हो सकती है सरकार को? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नर समय ले सकते हैं, समय ले सकते हैं, और वो भी घंटों में, दिनों में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये इस्तीफा देंगे, इस्तीफा अगर स्वीकार होगा और नए का शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक एक्टिंग सीएम यही रहेंगे। अच्छा, तो इस वजह से इनको सारा ऑपरेशन मतलब अरेस्टिंग होने के बावजूद भी इसी वजह से कैंप जेल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये रहेंगे, चंपई सोरेन को शपथ दिलाना ही होगा क्योंकि बहुमत है। सरकार क्या कह रही थी कि आप परेड करा लीजिए, विधायकों को गिन लीजिए और चेहरे से पहचान लीजिए कि इनका साइन है और ये खड़े हैं सामने, ऐसे करना चाह रही थी सरकार। पर वो गवर्नर के विवेक पर है कि गवर्नर कराए या सिर्फ लेटर पे साइन देख के ही मान ले कि हाँ सारे विधायकों का समर्थन है। तो गवर्नर ये कह सकते हैं अभी मुख्यमंत्री को कि हाँ ठीक है, आपका इस्तीफा स्वीकार है और ये वाला भी स्वीकार है, ठीक है, लेकिन हम परेड कल कराएंगे। तो इसमें देरी क्यों हो रही है? देखिए, चूंकि मनसा पर सवाल खड़ा हो रहा है ना, ये देखिए, जो सुबोध कांत सहाय हैं उन्होंने भी कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि राजभवन के सामने इतने माननीय आके और खड़े हैं, वो विजिटर नहीं है, वो अपनी अपील लेकर आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते, एक्सिक्यूटिव हेड होने के नाते इन्हीं का पावर तो इन्वेस्ट है ना कैबिनेट मंत्रियों में, तो बोले उनको आए हैं सारे कैबिनेट मंत्री तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये यकीन मानिए, इससे पहले भी जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी और जदयू के पांच थे, G5 का गठन हुआ था निर्दलीय, उस समय भी थोड़ा सा वक्त लगा था। गवर्नर ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप एक एक से बात करा दीजिए, या फिर समय ले सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि आपने जो इस्तीफा दिया है एक बार हमको थोड़ा कानूनी मशवरा लेने दीजिए, ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दायित्व ये बनता है, क्योंकि एक ये दो ही एंगल नहीं है कि इस्तीफा देके स्वीकार करना, तीसरा एंगल है ईडी का, ईडी भी अपने हिसाब से इन चीजों को देख रही है और ईडी उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि भाई हमको हाउस अरेस्ट का इनको परमिशन, चूंकि ईडी को पीएलएमए एक्ट, यूपीए एक्ट, ये सब एक्ट में ऐसे हैं फेमा कि इसमें अधिकार की मतलब जानने की जरूरत नहीं है, पर उनको इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। तो गवर्नर को ये इन्फॉर्मेशन भी चला जाएगा कि डिटेन किया गया सीएम को। लेकिन आप यकीन मानिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर,
10 बजे मुख्यमंत्री की मुलाकात हो जाएगी गवर्नर से। अभी तक अंदर हुई नहीं है, बैठे हुए हैं। हाँ, वो चूंकि गवर्नर अलग ऊपर वाले तल्ले सोने चले गए क्या? हाँ, और 6 लोग ही हैं वहाँ पे, और कोई जा ही नहीं रहा है। बार बार OSD को कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से जो पूर्व हैं, अभी पूर्व नहीं कह सकते, मतलब वर्तमान और जो आगे भविष्य में बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, दोनों साथ में हैं, तो और लेटर भी है साथ में, तो वो गवर्नर कह सकते हैं। हाँ, जो सरकार की इच्छा है कि परेड अभी करा ले, वो सकता है कि मुख्यमंत्री ये कहा जाए कि नहीं, परेड हम कल कराएंगे, लेकिन सरकार चाह रही थी कि ये काम तेजी से हो जाए और कल दिन के 11 बजे शपथ ग्रहण हो जाए चंपईदा का, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हो। तो अपनी तरफ से जितनी सरकार को हड़बड़ी है, उतनी हड़बड़ी ईडी को भी होगी। लिहाजा एक तरफ राजभवन के बाहर हलचल काफी तेज है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसी तैसी डेमोक्रेसी ये जो है ट्रेंड कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक तरफ गिरफ्तारी चल रही है, और इसके अलावे अलग अलग जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और इसको लेकर भी ये लगातार ट्विटर पर हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहा है। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई खबर ये एक नेशनल मुद्दा भी बन गया है, और लगातार जो नेता है वो ट्विटर पर ट्वीट भी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं गुड्डा से, वो 1 घंटा पहले लिख रहे हैं कि चंपई सोरेन जी को विधायक दल ने अगले मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया, हेमंत सोरेन जी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री परिवार के विरोध के कारण नहीं बना पाए। दरअसल ये समझिए मूव को, मैं पहले भी कहा था, कल के भी लाइव में कहा था कि अगर कल्पना का नाम आता, कल्पना सोरेन का, तो हो सकता था गवर्नर अपोज कर सकते थे थोड़ी देर के लिए, कि वो ये कह सकते थे कि अभी चुनाव नहीं होने वाला है, लिहाजा हम इसलिए इनको शपथ नहीं दिला पाएंगे। लेकिन चंपई सोरेन का नाम आने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप समय लगा सकते हैं भले, लेकिन गवर्नर हाउस के पास कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र विकल्प है, अगर विधायक इंटैक्ट रहेंगे तो इनको शपथ कराना ही होगा। तो बिल्कुल, देखिए, विधायक इंटैक्ट रहेंगे तो शपथ कराना ही होगा, और विधायक इंटैक्ट हैं, और यही वजह है कि गाड़ी पर सवार होकर सभी विधायक यहां पर पहुंचे थे। महुआ मांझी जो राज्यसभा सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनका बयान आया है, वो कह रही है कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है, CM अपना इस्तीफा सौंपने के लिए ईडी की टीम के साथ राज्यपाल के पास गए हैं, चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे, हमारे पास पर्याप्त संख्या है। तो देखिए, 2-3 बड़ी जानकारी महुआ मांझी जो, हाँ, मुलाकात हो गई, और हो सकता है संभवतः अब सीएम हाउस से तीनों गाड़ियां आएंगी, विधायकों की गाड़ी फिर से आएगी विधायकों की गाड़ी, और यहाँ पे अब से थोड़ी ही देर में घुसेंगे विधायक, मुलाकात हो गई है, और यहाँ CM आवास, मतलब नई सरकार बनेगी ये तय हो गया एकदम 100% क्योंकि वो बहुमत पे आंकड़ा चलता है। इसमें सिंपल लॉजिक है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो गई, और बाकायदा हो सकता है आपको थोड़ी देर में गाड़ी निकलते हुए दिखेगी, या हो सकता है कि राज्यपाल ने, अभी वो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन विधायक अभी आएंगे। हाँ। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री स्कॉट करते हुए लेकर जाएंगे, लेकर जाए। देखिए, बहुत बड़ी खबर, फिर से सभी विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक, वो राजभवन पहुंचेंगे गाड़ी पर सवार होकर, और राज्यपाल के पास जाकर वे दिखाएंगे कि हमारे पास जो संख्या है वो पर्याप्त है। संजय, कार्ड मेरा इसी से कनेक्ट है। अच्छा, अरे रहने दीजिए ना, हो गया उतना इन्फॉर्मेशन, आप यहीं रहिए। हेलो, हो गया, रहने दीजिए। तो बिल्कुल, रांची के राजभवन के बाहर से ये लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। संजय, अब फिर से विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो खबरें निकल करके आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हो गई है राज्यपाल से, अब इसके बाद जो खबरें हैं कि फिर से जो है विधायक बस में बैठ करके आ सकते हैं, और आप ये देखिए कि ये जो गहमा गहमी दिख रही है, सनी CM तो देखिए, CM बाहर निकले हैं, और ये अभी लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकल गए हैं, और यहाँ से बाहर आपको राजभवन के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकले हैं।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर से कि किस तरह से देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर यहाँ पर निकले हैं और आगे से तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फोन है ना आपके पास? हाँ, तो ये देखिए राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल गए हैं और अभी जो जानकारी है उसके अनुसार सभी जा रहे हैं यहाँ से मौजूद हैं। हो सकता है वो मीडिया से संवाद करना चाह रहे हो। क्या बोल रहे? चंपई सोरेन भी साथ में है। हाँ। तो हो सकता है अभी वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो गाड़ी का काफिला है दरअसल वो बाहर नहीं जा रहा, बाहर गेट से निकल के वो समय कुणाल आगे रहो ना यार। और ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं अब यहाँ पे विधायक आएंगे 9:50। ये है कि हम जिस टाइम में बुलाए हैं आप उसी टाइम में आइए, मतलब 9:50 अभी जो है समय वो हो रहा है 9:15। हाँ। तो 9:50 पर ही अंदर जाना होगा। हाँ। हाँ। ये तमाम अब विधायक जो गाड़ी में वहाँ बस में बैठ रहे हैं फिर मुख्यमंत्री आवास पे वो आएंगे तो हो सकता है उनके साथ जाएं। हाँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, इंडिया एयरलाइंस के पास पर्याप्त बहुमत है, लिहाजा घंटों का फर्क पड़ सकता है और उससे अधिक कुछ नहीं होगा। हो सकता है राज्यपाल कहे कि परेड कल करा दीजिए, लेकिन तमाम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मीडिया वाले इंतजार भी कर रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री देखिए सत्यानंद भोक्ता, ये मंत्री सत्यानंद भोक्ता है, आइए आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं वो, चूंकि बहुत कम बोलते हैं और ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी वे नहीं बोलना चाहेंगे। ये तस्वीर लगातार दरअसल अभी सबसे ज्यादा चिंता मंत्रियों की होगी, नया मंत्रिमंडल का गठन होना है, रहेंगे कि नहीं। हाँ, चंपई सोरेन अब किसको जगह देते हैं क्योंकि उनके विवेक पर निर्भर करेगा। हाँ। तो ये इसलिए और बाकी सारे मंत्रियों को और विधायकों को ये डायरेक्शन दे दिया गया होगा कि मीडिया से अभी बात ना करें। हाँ। लेकिन ये बात है। तो बिल्कुल देखिए ये मंत्री रामेश्वर उराव सामने आपको दिख रहे हैं। रामेश्वर नहीं, आलमगीर आलम है। रामेश्वर उराव अभी मुख्यमंत्री आवास में है। अच्छा। ये आपको आलमगीर आलम साथ में गए। हाँ, आलमगीर आलम साथ में गए थे और ये गाड़ी में बैठ रहे हैं और धीरे धीरे ये निकलेंगे, हो सकता है समय के साथ। और सत्यानंद भोक्ता है उनकी गाड़ी में सवार आलमगीर आलम के साथ। और तो देखिए ये एक एक करके सभी गाड़ियां यहां से निकल रही है और यहां से मुख्यमंत्री आवास की तरफ सभी गाड़ियां जा रही है। राजभवन के बाहर से ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक से कर देना।